गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनाली। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोर दिवाली स्पेशल रेशास बताने वाली हूं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट स्टाइल के लिए आपको सबसे पहले साइड पार्टीशन कर लेना है एंड देन जैसे मैं अपने बालों का थोड़ा सा सेक्शन अलग कर रही हूँ आपको भी वैसे ही अलग कर लेना है। उसके बाद आपको थ्री पार्ट में डिवाइड करना है उस स्टैंड को एंड देन हमें डस्ट ब्रेड बनाना है। फॉर दैट क्रॉस द राइट स्टैंड अंडर द मिडल स्टैंड एंड क्रॉस द लेफ्ट स्टैंड अंडर द मिडल स्टैंड एंड एड सम हेयर टू द लेफ्ट स्टैंड एंड क्रॉस इट अंडर द मिडल स्टैंड। After that, add some hair to the right stand and cross it under the middle stand. And then आपको ऐसे ही right stand और left stand में add करते हुए उन दोनों को cross कर लेना है। तो ये आपको अपने eyebrow के पास तक करना है और उसके बाद आपको ऐसे normally braid बना लेना है और braids को हमें pull कर लेना है। नीचे तक हमें normally braid बनाना है, देन हमें दूसरी साइड भी बना लेना है। उसके बाद हमें उन दोनों को पीछे की तरफ लेके जाना है और हमने जो पिन से सिक्योर किया था उसे निकाल देना है और एक साइड के ब्रेड में ऐसे लूप क्रिएट करके हमें दूसरे साइड को ब्रेड को निकाल लेना है उसमें से। देन हमें दोनों को पिन से सिक्योर कर देना है दोनों साइड और जो बचे हुए ब्रेड है उन्हें खोल देना है एंड हियर इज द फाइनल लुक। सेकेंड हेयर स्टाइल में भी हमें साइड पार्टीशन करके डस्ट ब्रेड बनाना है लेकिन ये हमें लेस डस्ट ब्रेड बनाना है, यानी कि हमें सिर्फ आगे के साइड से बाल ऐड करना है, हमें पीछे के साइड से बाल ऐड नहीं करना है। तो आप ऐसे ही करते जाइए एंड ये भी आपको अपने आईब्रो तक ही करना है। आईब्रो तक पहुंचने के बाद हमें नॉर्मली ब्रेड बना लेना है नीचे तक और जो ऊपर हमने ब्रेड बनाया था उन्हें पुल कर लेना है ताकि उसमें और थोड़े वॉल्यूम ऐड हो जाए। नीचे तक ब्रेड हो जाए तो उसके बाद हमें पिन से सिक्योर कर देना है और दूसरी साइड भी वैसे ही बना लेना है। उसके बाद हमें दोनों पिन्स को निकाल लेना है और ब्रेड्स को पीछे की तरफ लेके जाना है। और पीछे ले जाकर हमें उसे एक पिन से या फिर आप चाहो तो रबर बैंड से सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद हमें नीचे जो ब्रेड बचे हुए एंड हियर इज द फाइनल लुक। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए भी आपको साइड पार्टीशन कर लेना है और उसके बाद जैसे मैं अपने बालों का थोड़ा सा सेक्शन अलग करके पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ आपको वैसे ही कर देना है। उसके बाद अपने आईब्रो के पास से ऐसे पॉप जैसे हम लोग बनाते हैं उसी टाइप का आपको थोड़ा सा बाल अलग कर लेना है और उसका एक पॉप बना लेना है। पफ बन जाए उसके बाद हमें जो बाल आगे से छोटे बनाना है फ्रेंच ब्रेड लेस फ्रेंच ब्रेड बनाना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा बाल ऊपर से लेना है और उसे थ्री पार्ट में डिवाइड करना है देन क्रॉस द राइट स्टैंड अंडर ओवर द मिडल स्टैंड एंड क्रॉस द लेफ्ट स्टैंड ओवर द मिडल स्टैंड देन एड सम हेयर टू द लेफ्ट स्टैंड एंड क्रॉस इट ओवर द मिडल स्टैंड। आपको वैसे ही करते जाना है। आपने जितने बाल छोड़े थे उतना ऐड हो जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा पुल कर लेना है ब्रेड्स को और नीचे की साइड में थोड़ा सा ब्रेड बना लेना है और उन ब्रेड्स को थोड़ा सा पुल कर लेना है ताकि उसमें वॉल्यूम ऐड हो जाए। उसके बाद हमें उस ब्रेड को अपने पॉप के पास ले जाकर पीछे पिन से सिक्योर कर देना है
यहाँ पे आप चाहो तो फ्रेंच ब्रेड की जगह डच ब्रेड भी बना सकते हो। एंड हियर इज अ फाइनल लुक। फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए हमें साइड पार्टीशन ही बनाना है, लेकिन इस बार हमें कम बाल जिसमें जिस साइड है उसी साइड का लेना है। देन हमें यहाँ पे बनाना है डस्ट ब्रेड। यहाँ पे हमें लेस डस्ट ब्रेड नहीं बनाना है, हमें इसमें दोनों साइड से बाल ऐड करते हुए बनाना है, जैसे हमने पहले हेयर स्टाइल्स में बनाया थे। तो यहाँ पे हमें छोटा सा ही सेक्शन लेना है और उसका हमें डस्ट ब्रेड बनाना है। यहाँ पे मैं डस्ट ब्रेड जहाँ तक मैंने पार्टीशन किया था वहीं तक कर रही हूँ। उसके बाद मैं नॉर्मली थोड़ा सा ब्रेड बना लूंगी और जो ब्रेड है उन्हें पुल कर लूंगी। एंड लास्ट में मैं उसे पीछे ले जाकर पिन से सिक्योर कर दूंगी। आप चाहो तो एक ही ब्रेड बना के रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दो ब्रेड बनाऊंगी। ठीक उसके नीचे मैं एक और ब्रेड बना रही हूँ। एंड हियर इज द फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को ये चारों हेयरस्टाइल्स पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल में न्यू हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम।